नमस्कार कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मधुरा आपका स्वागत करती है पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने सीता गुप्ता जी की कविता देखी थी पर्यावरण उसी के बारे में हमें आज भी बातचीत करनी है उसी उस कविता के आगे के जो छंद है उन छंदों के ऊपर हमें प्रकाश डालना है तो स्वागत करते हैं सीता जी का नमस्ते सीता जी नमस्कार आपका स्वागत कालीदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा है ऐसा कि शकुंतला जब कण्व ऋषि के आश्रम से ससुराल जा रही थी तो उसने हर एक पेड़ को बाहों से लगाया था वो ज़माना ही कुछ ऐसा था कि लोग वृक्ष से हमारे पर्यावरण से इतना प्यार करते थे लेकिन आजकल लोगों का दिल कैसा होता है ये वृक्ष काटने का आपने आप इस कविता का जो अगला छंद है उसी के बारे में दर्शाया है आप खुद सुना दीजिए और उसके ऊपर इस समस्या के ऊपर प्रकाश डालिए मैंने आगे लिखा है बहुत जगह घेरी है इसने कह कर बरगद कटा दिया कमरा चाहिए इसीलिए तो दादा को वृद्धाश्रम भिजवा दिया अब तपती दोपहरी में तरस रहे हैं छाव को बच्चे खोजते हैं दादाजी के मीठे लाड चाव को बच्चे खोजते हैं दादाजी के प्यारे लाड चाव को बहुत ही गहरी समस्या है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगी दर्शकों जरा फिर पक्षियों की सभा में मैं आज फिर गई तो देखिए उन्होंने आज मुझे क्या सुनाया पक्षियों की सभा में आज सब शांत बैठे थे कल की तरह अपनी अपनी बोली में चर पर चर पर कर ही नहीं रहे थी उनकी चहकने की वो आवाज आज कान में ही नहीं पड़ी जब मैं सुबह घूमने गई तो मैंने पूछा क्यों उदास हुआ आज आप में से किसी का स्वर ही नहीं आ रहा है सुबह जिस बात के लिए मैं घूमने आई थी कि कुछ चहल पहल हो बाग के अंदर आपकी मीठी मीठी चेहचहाट सुनाई दे इसमें से दो पक्षी बहुत उदास थे उन्होंने कहा हमारा घर जिस बरगद पर था वो तो कटवा दिया अब आप बताइए दर्शकों घर का बरगद कौन होता है उनका घोंसला नीचे गिर पड़ा और बिल्ली अंडों को खा गई घर के बुज़ुर्ग भी तो घर के बरगद ही हैं कभी आप बरगद का वृक्ष देखिए जाकर उसमें से कितनी सारी नीचे शाखें निकलती जाती हैं और वही फिर धरती को पकड़ के फिर से एक नया पेड़ बना देती हैं जैसे पिता के आगे पुत्र आया फिर उसका विवाह हुआ फिर उसका पुत्र आ गया ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है बल्कि कलकत्ते में तो एक इतना बड़ा बरगद का पेड़ है जो कई हजारों गज में फैला हुआ है जिसको मिसाल दी जाती है लोग उसको घूमने आते हैं वहाँ पर जी सही है जिसका नाम ही उस ट्री के उससे बोटानिकल गार्डन बेनियन ट्री गार्डन पड़ गया है जी जी जिसके अंदर बीच में से जड़ गायब है और इतने ही सारे अब वो पूरा ओवल शेप में बन गया है कि पता ही नहीं चलता है कहाँ से पेड़ शुरू हुआ था कहाँ से ख़त्म तो मानव की पीढ़ी भी तो ऐसी ही है कहाँ से शुरू हुई कहाँ से ख़त्म दादा फिर उसके बच्चे फिर उसके बच्चे फिर उसके बच्चे तो बरगद वही तो है जिसकी छाँव में सब पल रहे थे कबूतर तो का घोंसला नीचे गिर गया ना बरगद की शाख कटने से तो क्या हुआ पिता से कटकर बच्चा अलग दूसरी जगह चला गया क्या हुआ उसका घोंसला उसके बच्चे जो थे उनका प्यार का घोंसला जो दादाजी के साथ कहानियां लाड होता था वो कौन देगा जी जी सीता जी सही कहा आपने या चाहे प्रकृति हो हमारा निसर्ग हो या फिर कुटुंब हो स्वार्थ बढ़ते जा रहा है ऐसे कहीं नजर आ रहा है तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे उसको हमको ही तो सीमित करना पड़ेगा जी जी सही बात है सही बात है अगर वृद्ध लोग सारे चले जाएंगे घर से हमारे बचपन में तो कोई वृद्धाश्रम होता नहीं था सही है। संयुक्त परिवार में रहना शान मानी जाती थी लोग उदाहरण दिया करते थे जी जी और बच्चों को भी कितनी इच्छाओं मिल जाती थी बड़ों की कितनी शिक्षाएं मिल जाती थी उनकी कहानी से जी और एक सुरक्षा भाव होता था बच्चों के अंदर कि दादाजी तो हैं घर में हाँ, हाँ। माता पिता अगर कार्य पे चले भी गए कितनी सुरक्षा होती थी बाहर वालों के लिए भी एक डर होता था कि बड़े बाबूजी घर में बैठे हैं जी, जी, अभी आप देखिए जितनी गलत आदतों के कारण जितने रोज दुर्घटनाएं कहीं बच्चे के चोरी की घटती हैं कहीं कोई और तरह की घटती हैं कहीं सुनाई देता है कि बुजुर्गों को मार दिया गया घर लूट लिया गया कैसे हो जाता है क्योंकि या तो बुजुर्ग घर में अकेले हैं शक्तिहीन हो चुके होते हैं लोग गलत रूप धारण करके आ जाते हैं और मार के और लेके चले जाते, बच्चे तरस जाते हैं दादाजी के प्यार को सही सही बात है बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि घर आते हैं तो माँ कार्य पे गई हुई है पिताजी भी कार्य पे गए हुए हैं या तो ताला मिलता है सही। ये तो सा, कार्य करने वाली भाई मिलती है जी, जी। वो कितना प्यार दे सकेगी दिन भर काम करने के बाद हो सकता है वो कई जगह काम करती हो तो एक घर से करके दूसरे घर चली गई तो बच्चे को ताला मिलता है और बच्चे को क्या चाहिए घर आके माँ को सहपाठियों की कहानी सुनाए अध्यापक की कहानी सुनाए अपने मन के सारे भाव बांट देना चाहता है घर आके सही है। लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं होता परिणाम क्या होता है बच्चा गैजेट में चला जाता है जी, जी। और माँ बाप से दूरी बढ़ती जाती है उसके पास आता जाता है ठीक कहा ठीक अभी तो हाँ। कल भी मैं कोई समाचार पत्र पढ़ रही थी उसमें दिखाया था कि बच्चे इतनी ज्यादा गैजेट्स में खो जाते हैं कि स्कूल से आते ही लेट जाते हैं सोफे पर और वो लेकर बैठे रहते हैं जिससे मोटापा और बहुत सारी बीमारियां उनमें बढ़ती जा रही हैं। सही बात है सही तो इस तरफ हमने धकेला ना उनको जी जी उसी को मैंने लिखा है कमरा चाहिए इसलिए दादाजी को वृद्धाश्रम भिजवा दिया अब ती तप तपती दोहरी में तरस रहे हैं छाव को बच्चे खोजते हैं फिर से दादा के लाड चाव को पेड़ कट गया तो घर के लोग भी छाव को तरसते हैं ना जी जी और घर का बड़ा पेड़ यानी वृद्ध पिता या दादा या नाना जो भी है आश्रम में चले गए तो ना सुरक्षा कवच रहा बच्चों के पास ना उनका कोई ऐसा सहपाठी रहा जो उनकी हार जीत उनकी चुटकले उनकी मन की सारे भावों को सुन ले जी सही, है, जी सही है और बच्चा अपना सारा दिल खोल के रख दे उनके सामने माता के पास समय नहीं है पिता के पास समय नहीं है जी सही है मुझे याद आता है बचपन में जब कभी भी स्कूल में कहानी सुनाने के लिए हमारे शिक्षक हमें आगे बुलाते थे तो मैं पहले जाके मैं खड़ी होती थी क्लास के सामने और बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, थी तो मेरे दोस्त मुझे पूछते थे तुम्हारे पास इतनी कहानियाँ आती है कहाँ से तो मैं कह देती थी उनसे मेरे दादाजी के पास एक खजाना है तो हम देख रहे हैं कि आजकल ये खुशियों का ख़जाना ही कहीं खो खोते हुए नज़र आ रहा है तो आपके पास एक सुरक्षा कवच हो गया ना जी स्कूल में जब भी जो भी चाहिए आपके पास प्रस्तुत है जी और आपके सहपाठी भी आपको कितने प्यार से देखते होंगे अरे आज कौन सी कहानी सुनाने वाली है हाँ हाँ और उन्हें वो एक अच्छा लगता था, अच्छा लगता था कि मेरे और दादा, दादा दानी की कहानी में कितनी सारी शिक्षाएं छिपी होती हैं बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा तो कितने सारे कार्य हो गए बच्चों को प्रेम भी मिल गया बच्चों को मार्गदर्शन भी मिल गया हाँ। और एक सहपाठी भी मिल गया जिससे वो अपने समय को सफल कर सके जी हाँ। और गलत दिशा में बच्चा गया भी नहीं जी हाँ तो ये सब हमने ही तो छीन लिया उनसे जी, जी सही उनका बचपन ही तो छीन लिया ना जी, जी। तो बरगद की छाव उधर आपको धूप ही तो देगी फिर हम कहते हैं बच्चों में आज क्रोध बहुत है जब उनको प्यार देने वाला कोई बचा ही नहीं उनकी सुनने वाले का किसी के पास समय ही नहीं तो जो कुल बुलाहट उनके मन के अंदर रहती है मन में ही रह जाती है ना, किसी से कह नहीं पाते किसी की सुन नहीं पाते तो अंदर अंदर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं जी। आज अधिकतर ये शिकायत है कि बच्चे दसवीं ग्यारहवीं से ही या थोड़ी सी उच्च क्लास में आते ही कोई किसी व्यसन में चला जाता है कोई किसी व्यसन में चला जाता है क्यों? सही बात है क्योंकि वो अपने आप को भूल जाना चाहते हैं उस समय उनको इतना ज्ञान तो होता नहीं है कि ये नुकसानदेह चीज़ें हैं उसमें चले जाते हैं जी, जी, तो उनसे बचाना कौन करेगा हमको आपको ही करना होगा ना दर्शकों तो उनके दादा नाना को उनके पास ले आइए उनके छोटे छोटे बच्चों से ही छोटे छोटे पौधे लगवाइए उनसे पानी डलवाइए उनका समय उसमें लगा दीजिए अभी तो हमारी सभा की बात समाप्त नहीं हुई उसी में एक चिड़िया बहुत उदास थी मैंने पूछा चिड़िया रानी क्यों उदास हो चिड़िया बोली क्या बताऊं आपके पास कोई है जवाब चिड़िया बोली मैं देखती हूँ शायद इसका जवाब आपके पास हो कल एक बच्चे ने चिंगम खाई अच्छा मुंह से निकाल के वहीं गिराई ओ मेरे बच्चे खेलते वहां थे अच्छा। उन्होंने सोचा कुछ खाने की चीज है चिंगम से चिपक गया उनका मुंह। भूख अच्छा। से मर गए वो। इसे निःशब्द करने वाला प्रश्न आपने आगे खड़ा किया है ये बहुत ही बहुत ही गहरा विषय है कि कम से कम ये शिक्षा तो हम बच्चों को दे सकते हैं कि बाबा चिंगम जैसे खर, चिंगम जैसी कोई चीज खाना ही प्रकृति के लिए नहीं लाना दिया तो माता पिता ने ना ला के अब चिंगम बच्चे ने खाकर जो बची हुई होती है वो नीचे गिरा दी चिड़िया के बच्चे ने समझा कोई खाने की चीज है खा ली वो उसकी चोंची पक गई उसको बोलना तो आता नहीं किसी से कहेगा खोल दो भूख से तड़प तड़प के मर गया तो ये कौन सिखाएगा कितने छोटे छोटे ऐसे भाव है मैंने चिड़िया बोली या कबूतर बोला दर्शकों आप भी समझ तो रहे होंगे कि ये तो मैंने उसको प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है कि मैंने देखा था कि कैसे चिड़िया का बच्चा ऐसे मर गया तो हम अपने बच्चों को क्या प्यार से थोड़ा समझा दे कि बच्चे चिंगम खाने से अपने भी दांत तो खराब होते ही पर फिर भी अगर तुमने कभी खाई है तो जो मुंह से निकलती है सूखी हुई चिंगम उसको कचरा दान में डाल दीजिए इधर उधर मत फेंकी है सीता जी बिल्कुल सही है लेकिन आजकल मैंने बहुत जगह पे देखा है कि बच्चे इतने ज़िद्दी हो गए हैं माँ बाप चाहे कितना भी ना समझाए बच्चे बात ही नहीं मानते हैं तो ये जिद की जो में प्रवृत्ति है इसके बारे में आप क्या कह सकते हो ये बहुत ज़िद्द की वही तो मैंने कहा बच्चों को समय देने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं जिनके पास समय था उनको वहाँ से दूर कर दिया गया जी जी तो फिर बच्चे क्या करें जी सही है माँ कितनी बार कहेगी एक दो बार कहेगी दादा जी उसको साथ ले जाके कचरेदान तक जाएंगे ना बच्चे यहाँ रख माँ के पास इतना समय नहीं जी सही उसने खाली बोलकर सिखाया दादाजी ने करके सिखाया कौन अच्छा। सा ज्यादा प्रभाव करेगा दादाजी वाला करके सिखाने वाला कभी भी प्रभाव ज्यादा है डाले उसी को मैंने आगे लिख कड़वा है नीम कड़वी है इसकी नीबोली बड़ों की शिक्षा बड़ों की बोली इसे गिराओ इसे भगाओ छाया से खाली धरती की झोली कड़वा है नीम कड़वी है नी बोली बड़ों की ये शिक्षा बड़ों की ये बोली इसे उसे छाया खाली धरती की इसमें क्या भाव है नीम कट गया छाया कौन देगा जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे भी अगली पीढ़ी ने भी नीम की निबोली तो कभी ना कभी खाई होगी बारिश के दिनों में निबोली कड़वी होती है लेकिन दोस्तों ये तो विज्ञान भी कहता है कड़वी चीजें ज्यादा फायदा करती हैं जी जी तो आपके पाचन तंत्र को भी अच्छी रहती थी और दांतों को भी अच्छा रखती थी तो बड़ों की बोली भी ऐसे ही है कड़वा है नीम कड़वी इसकी निबोली बड़ों की शिक्षा बड़ों की बोली इसे गिराओ उसे भगाओ छाया सी खाली धरती की झोली अब मनी प्लांट लगाए तो छाप से पाए सही बात है सही बात है अब मनी प्लांट लगाए तो छाप सबको चुभता जैसे शूल जी सही बात है हमारी गुल मोहर जरा देखिए बाग में जाके गुल मोहर लगता है ऊपर क्या उस हरे हरे पत्तों के ऊपर ताज पहना हुआ है माँ प्रकृति ने कहीं खो गए हैं गुलमोहर वो पीपल वो नीम अभी तो क्या लगे होते हैं सारी जगह बस जो दर्शनीय पेड़ होते हैं मुझे दर्शकों अधिकतर पेड़ों का नाम भी नहीं मालूम है इसलिए मैंने कहा जो सजावटी पौधे होते हैं अभी ज़्यादातर लोग घरों में बालकनी में या सोसाइटी में भी मैं खुद अपनी सोसाइटी में देखती हूँ मैंने कितनी बार वहाँ के जो संस्थापक हैं जिनका काम है पौधों की देख रख करना उनको मैंने बोला कुछ जामुन लगवाइए नीम लगवाइए ये क्या है ना इसमें छाया है ना कोई फल है जी जामुन है नीम है गुलमोहर है हर सिंगार है हर सिंगार देखिए रात भर आपको खुशबू देगा सही बात और उसके पत्तों से कहते हैं जो दर्द होते हैं शरीर के मिट जाया करते हैं कितने गुणी थे हमारे पूर्वज जिन्होंने आपके घरों में ये वृक्ष ला दिए थे कि हर सिंगार लगाइए तुलसी लगाइए केले का पेड़ लगाइए नीम लगाइए नीम के ऊपर तो कितनी सारी कहावतें बनी हुई है नीम की निबोली चबाने से दांत ठीक हो जाते हैं नीम के पत्तों से रस से जितनी भी त्वचा के रोग हैं ठीक हो जाते हैं, पर हम उन सबको भूल गए हैं सही है विवाहों के उत्सवों में आम के पत्तों की बंधनवार तो आपने आम देखी होगी जी जी अशोक के वृक्ष घर के बाहर कितने सुंदर लगते हैं पीपल कटवा दो इसमें फल ना फूल सबको झुपता में जैसे शूल सही पीपल कटवा दो बहुत सारी जगह घेरता है इसमें फल ना फूल क्योंकि पीपल में तो फल और फूल आते नहीं अभी तक मैं जिन पौधों की बात कर रही थी हर श्रृंगार में रात भर फूल खिलते हैं इसी को रात रानी कहते हैं इसमें बहुत खुशबू होती है चंपा के फूल में खुशबू होती है गुलाबों में खुशबू होती है आम के पेड़ में आम के फल होते हैं अमरूद के पेड़ में अमरूद के फल होते हैं हाँ पीपल में कोई फल ना फूल लेकिन विज्ञान के युग में आप सभी जानते हैं दर्शकों कि पीपल रात भर भी ऑक्सीजन छोड़ता है और हमारे वातावरण की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पी लेता है जी सही बात है तो वो तो शिव हो गया जिसने सागर मंथन से निकला हुआ सारा जहर पी लिया क्या बात है क्या बात है क्या हो गया इसीलिए पूजनीय माना जाता था हमारे पुराणों में हमारे पूजा विधियों में पीपल नीम को काटना बरगद को काटना पूजनीय माना जाता था पूजनीय माना जाते और गीता में में भी भगवान ने कहा है पेड़ों में, मैं अश्वत हूं तो पीपल, ये वही वृक्ष है निजिन कार्बन डाइऑक्साइड पीता बांटता सबको ऑक्सीजन जिसके बल पर हर जीव है जीता क्या बात है चाहे जलचर हो थलचर हो या मानव हो सभी को ऑक्सीजन तो चाहिए ना तो पीपल ही वो वृक्ष है जो रात भर वातावरण को साफ करता रहता है जी, जी. और ये तो सारे बच्चों ने पढ़ा है कि पत्त, जो पेड़ों के हरे पत्ते होते हैं सूर्य से वो लेकर उससे बनाते हैं जी, जी. सीता जी मुझे ऐसा लगता है बच्चों ने ही नहीं, नहीं बड़ों ने भी बड़ों को भी ये सब मालूम है बड़ों ने भी पढ़ा है उनके स्कूल लाइफ में हो या या जनरल लाइफ में आजकल हम देखते हैं ये इंफॉर्मेशन सबको होती है लेकिन कोई उसके ऊपर अमल नहीं करता कोई इस महत्व को जानता नहीं है इसके ऊपर आप क्या बात करना चाहोगे जानते सब हैं अभी आपने कहा सबको मालूम है हाँ बच्चों के साथ बड़ों ने भी पढ़ा है लेकिन सुरक्षा भी करना कोई मानते भी हैं अच्छा बस उस पर अमल नहीं करते अमल नहीं करते लापरवाही हो जाते हैं जी जी जानते भी सब हैं मानते भी सब हैं सब जानते हैं कि हमें मोबाइल uh, का कम से कम उपयोग करना चाहिए या कान के नीचे रख के नहीं सोना चाहिए से या कान से दूर रखना चाहिए मानते भी हैं लेकिन हाँ, करते नहीं हैं ऐसी बहुत सी बातें हैं जानते नहीं ऐसा नहीं है जी, लेकिन जानना अलग है समझना अलग है मानना अलग है और उसके बाद भी करना अलग है जैसे जी, जी, मैं जानती हूँ फ़ोन के अंदर ये ये फीचर्स हैं मानती भी हूँ लेकिन मेरे को समझ नहीं है कैसे चलाना है तो भी वो कार्य नहीं करेगा जी। और समझती भी हूँ लेकिन उस पर अमल नहीं करती तब क्या कार्य करेगा जी। तो जानते सब हैं ऐसी बात नहीं है सब जानते हैं करना नहीं चाहते थोड़ी लापरवाही है यूं कहिए लापरवाही है।, जी, जी। है लेकिन अगर आपके जैसे शब्द हो ऐसा आपने इतनी बखूबी से ये समस्या पहुंचाई है तो मुझे आशा है कि दर्शक पूरा अमल करेंगे अभी इस पर और आगे भी आपने बहुत ही सही कहा है उसके बारे में सुना दीजिए जैसे घर के सृजनहार सबको बांटते प्रेम दुलार जो पहले थोड़ी देर पहले दर्शक को हमने दादाजी की उपमा वट वृक्ष की थी तो वही सृजनहार हुए ना इस पूरे वंश की रचना उन्होंने की थी जैसे बरगद के पेड़ में से जड़ें नीचे आती जाती हैं फिर नया वृक्ष बनता जाता है आप सभी ने देखा होगा अभी अभी जो बड़े बड़े हैं बहुत बरगद है कभी जाइए उनकी जड़ें देखिएगा नीचे आती जाती है नया वृक्ष बनता जाता है जैसे मैंने पहले भी का पिता के बाद पुत्र आया फिर उसका वंश चला फिर उसका वंश चला हम्म सही तो इसी को मैंने कहा जैसे घर के सृजनहार सबको बांटते प्रेम दुलार युवाओं का मार्गदर्शन छोटे बच्चों को करते करते प्यार युवक का मार्गदर्शन हैं बेशक उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है जितना आपके पास है लेकिन आपके टेक्नोलॉजी का ज्ञान और उनका अनुभव दोनों मिलकर क्या नहीं कर सकते हुँ, हुँ. वो आपको अनुभव से बताएंगे आप उनको ज्ञान से बताइए और दोनों का समन्वय करके कितना अच्छा हम उसका उपयोग कर सकते हैं जी जी, जी सही बात है सीता और सरकार भी हमारी उसके लिए बहुत कार्य कर रही है जैसे जल के संचयन की बात है तो हम छतों पर रात को बाल बाल्टी रख सकते हैं बारिश के दिनों में जो पानी भर जाएगा कितना शुद्ध होता है हुँ, हुँ. जी पूरा नहीं भरेगा कुछ तो भरेगा ही या आज तो सरकार भी कहती है कि जिनके घर बड़े बड़े हैं छतों पर टंकी लगवा दीजिए बारिश का पानी भर जाएगा वो और कामों में यूज हो सकेगा जी जी तो करने को तो बहुत कुछ है बस करने की इच्छा जागृत कर लीजिए अपने अंदर जी कभी यमुना में रो लोग रोज स्नान किया करते थे अभी तो यमुना के किनारे से निकलना भी मुश्किल लगता है जो यमुना की इतनी चौड़ी धारा आज तो लगता है क्या छोटी सी कोई वो बह रही है दरअसल आपके विचारों की धारा इतनी सुंदर बह रही है रोकने का मन नहीं हो रहा है लेकिन वक्त हमें इशारा कर रहा है सीता जी ये विषय ही बहुत गहरा है हम अगले एपिसोड में हम जब मिलेंगे तो आगे के छंद आपके सुनेंगे और आपके साथ इस विषय पर फिर से बातचीत करेंगे तब तक धन्यवाद आपका भी धन्यवाद दोस्तों आज के एपिसोड में हमने सुनी सीता गुप्ता जी की पर्यावरण कविता पर्यावरण बहुत ही गहरा विषय है आज के एपिसोड में हमने देखा कि पेड़ कटते जा रहे हैं पेड़ों की सुरक्षा करके पानी की बचत करके हम बिल्कुल ही पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं उन उपायों के ऊपर अगर हम अमल करें तो हम पर्यावरण की रक्षा बखूबी से कर सकते हैं तो और क्या उपाय है जानेंगे अगले एपिसोड में तब तक नमस्कार धन्यवाद